ठीक है। तो आज यार मौसम जो है ना बहुत बढ़िया हो रखा है, धूप वो भी काफ़ी अच्छी हो रखी है, ठीक है। तो अभी बज रहे हैं दोपहर के 2:30, क्योंकि मैं सुबह 9:30 बजे से काम कर रहा था तो मेरे को ब्लॉग स्टार्ट करने का टाइम नहीं मिला, ठीक है। ब्रेकफास्ट वगैरह अपना हो चुका था और यहाँ पे अपना काम चल रहा है ऑफिस का, ठीक है। और कपड़े वपड़े जो इतने भी सब गीले थे सब छत पर डाल दिए, काफ़ी मज़ेदार और बढ़िया मौसम हो रहा है। और आप लोग क्या कर रहे हो अपने घर पे या ऑफिस में हो तो यार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, एंड प्लीज़ यार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करा करो ताकि हमें भी अच्छा सपोर्ट मिले। अभी बज रहे हैं 3:30 और हम खाएंगे अपना लाइट मिक्सचर, ये ग्रॉफर से मैंने मंगवाया था, काफ़ी सस्ता पड़ा था और मैंने भी ये आपको ज़रूर खाना चाहिए क्योंकि ये काफ़ी लाइट होता है और वेट लूज करने के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो गाइस अपना खाना आ चुका है, खाने में बना है अपना खाना दाल मखनी पनीर रोटी। खाना खाएंगे, काम करते रहेंगे साथ में और अपना जो भी है ब्लॉग्स वगैरह मैं देखता रहता हूँ तो वो देखेंगे, है ना। देखो 4 बज रहे हैं, अभी तक खाना नहीं खाया मैंने। भाई साहब अभी बज रहे हैं शाम के 6:30, ठीक है। ऑफिस का मेरा सारा काम हो चुका है और शाम हो चुकी है, देखो अब बाहर अंधेरा भी हो रहा है, देख सकते हो तो अभी अंधेरा हो रहा है, ठीक है। अभी करता हूँ अपने लैपटॉप को हाइबरनेट, क्योंकि अगर बाद में कुछ काम फंसेगा तो एक्चुअल में हम वहीं से रिज्यूम कर सकते हैं विंडो जहाँ पर हमने इसको लास्ट टाइम छोड़ा था, है ना। यहाँ से निकाल देंगे इसकी वायर, अनप्लग करेंगे, इसको शट डाउन डालेंगे, हाय राम मेरा मास्क। ये रहे अपने जूते बोट्स वाले, यार मैंने सोच रखा है कि कोई अच्छे से शूज़ खरीदूँगा वुड लैंड वगैरह के, जिससे काफ़ी अच्छी लुक आती है ना। ये मैंने कैंपस से खरीदे थे जो कि काफ़ी अच्छे और बहुत ज़्यादा स्मूथ हैं। अगेन सेम इशू, ये बंद नहीं होता, इसको धक्का मार के बंद करना पड़ता है। चलो बंद तो हो गया, मास्क उठाते हैं, अपना टोपी उठाते हैं, रिमोट उठाते हैं, है ना। चलो कभी भी लॉन्ग टाइम के लिए आप कोई भी सामान जो है जैसे चार्जर वगैरह हो गया, बैटरी वगैरह हो गई, प्लग करके कभी मत छोड़ना, अदरवाइज वो ब्लास्ट हो सकता है। इसको भी निकाल लेते हैं अपना आईफोन का चार्जर को, और ये मेरा ईयरफोन जो कि फ्री में आता क्रेडिट कार्ड की तरफ से। तो सारी चीज़ें लॉक हो चुकी हैं, ठीक है। चलो ये आ गया अपनी चाबी स्कूटी की और मास्क, गाड़ी की चाबी रख देते हैं संभाल के, गाड़ी की चाबी कहाँ रखे हैं कहाँ रखे हैं, चलो इसके पास रख देते हैं, ये मोटा ध्यान रखेगा इसके, तभी मोटे ध्यान रखिए गाड़ी का। ये आ गए हम नीचे, अब निकालेंगे स्कूटी का कवर अलग, ठीक है। अब सुनने में आया है कि सैटरडे संडे वाला कर्फ्यू था, केजरीवाल जी ने हटा दिया है, तो भाई साहब अब निकालेंगे संडे को गाड़ी, सुबह सुबह कहीं जाएंगे घूमने बढ़िया जगह पे। देखो मैं हर चीज़ एक एक्स्ट्रा रखता हूँ अपने पास, ये ग्लव्स हो गए। तो हेलो गाइस, अभी बज रहे हैं शाम के 8, ठीक है। मैडम आ चुकी हैं और अंदर इसको चीज़ी बॉल्स वगैरह कुछ बनाने थी, जिसके वजह से ठीक है ये आज किचन में थोड़ा सा बिजी है, बट थोड़ा सा प्रॉब्लम ये हो गई कि जो ब्रेड थी वो ख़त्म हो गई, डेट्स वाई ये वीडियो पे नहीं आ सकती, ठीक है, क्योंकि हमारे चीज़ी बॉल नहीं बन पाएंगे। तो अभी मैं पी रहा हूँ चाय, देखो बढ़िया है एकदम कड़क चाय है, और आज का मौसम काफ़ी नॉर्मल हुआ है पिछले 30 दिन के हिसाब से, काफ़ी मतलब कि ठीक है, ज़्यादा ठंड नहीं है, ठीक है, बिल्कुल बर्फ़ टाइप सा पड़ रहा था पिछले 30 दिन से। अभी चलते हैं हम किचन में, किचन में चलते हैं देखते हैं क्या कर रही है। क्या बन रहा है, कुछ तो बनेगा, वो तो मैंने बता दिया, क्या बन रहा क्यों बताया आपने, बन क्या रहा है ये बता। दाल ढोकली, इसकी दाल ढोकली बन रही है, अरे समझा करो। और वो बन रही है इसकी आंख मारा मैंने, एक पहला आलू जो कि बीच में तो फटा हुआ, अब उस आलू का कोई यूज नहीं है, ठीक है। चलो अब कुछ नया बन रहा, अलग बन रहा है, कुछ और बनाने का सोचा था, कुछ और बन रहा है, बताओ। पहले सोचा था चीज शॉर्ट्स बनाने के लिए, तो ब्रेड खत्म हो गई, तो ब्रेड थी नहीं पता चला, अब ब्रेड आएगी भी नहीं और नाले को लेने जाएगा, ठीक है। तो अब बन रहे हैं चीजी ट्राइंगल, ठीक है, जो कि मेट्रो वॉक में मिलते हैं फेमस। देखा मैंने बिल्कुल करेक्ट बताया था ना, ये अंदर चीजी ट्राइंगल ही बना रही है, ठीक है। तो अभी हम थोड़ी देर देखेंगे टीवी, और मेरी एक मेल भी पेंडिंग पड़ी है ऑफिस की, उसको निपटाते हैं, फिर
अपना वही खाना वाना खा के सो जाएंगे। ठीक है, अभी तो वही है कि अगर कर्फ्यू ख़त्म हो चुका है, मैंने न्यूज़ नहीं देखी है, सुना है, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया भी था जब मैं बाहर जा रहा था कि मेरे को सुनने में आया कि कर्फ्यू जो है सैटरडे संडे वाला वो ख़त्म हो चुका है। तो देखेंगे संडे को कहीं घूमने जाएंगे मॉर्निंग में और दोपहर तक वापस आ जाएंगे, क्योंकि आप दिल्ली में इतना ट्रैफिक इतना रश हो गया है ना, मतलब हालत ख़राब हो जाती है। आप फोर व्हीलर छोड़ ही दो, टू व्हीलर पे इतना ट्रैवल करना मुश्किल हो गया ना, गाड़ी वाले अंधाधुंध चलाते हैं, मतलब समझ में नहीं आता कि यार क्या खा के चलाते हैं लोग, बिल्कुल ही रफली ड्राइव करते हैं कुछ लोग। तो यार उनसे रिक्वेस्ट है कि यार थोड़ा सा आप लोग अगर रोड पर गाड़ी चला रहे हो तो यार किसी को ओवरटेक मत करो और सेफली गाड़ी चलाओ, आपकी फैमिली है किसी और की फैमिली है, ठीक है। बाकी हम तो सेफली ही चलाते हैं और सेफली ही चलाते रहेंगे, ठीक है। चलो अभी देखते हैं क्या बना रही है। हाँ क्या बना है? अच्छा समोसे बना रही है। समोसे नहीं है, ट्रायंगल है। हाँ ये जो वहाँ पर खाया था एरोप्लेन वाले थे। हाँ अब पता चला। चलाने का चलाने का वहाँ पर लाइटर खो चुका है बेचारा, पीछे पता नहीं क्या कर रहा था। इसमें है चीज और शिमला मिर्च, प्याज प्याज, बाकी और कुछ डाला नहीं। ये चीज वाले समोसे हैं। बोला था कि चीज वाले समोसे, बेचारा वो शेफ भी मुंह देख रहा था। चलो जब बनेंगे तब आएगा मजा। ट्रायंगल बोलते हैं इसको, कुछ तो इटालियन में बोल लेगा। मुंह में चबड़ चबड़ चीज बजेगी। तब उधर वहां तो बड़ा मजा आया आपको खाने में। वहां पे पता है जब मैं खा लिया था ऐसे के लिए तोड़ा, पहले तो बड़ा अच्छा लगा, पोस्टर पे लगा हुआ था, फिर जब तोड़ी अरे ये तो चीज वाला समोसा है। कुकर भी आ रहा है, कुकर भी आ रहा है, बड़ा आ रहा है। चलो हम अंदर चलते हैं जब तक ये चीज़ वाला समोसा बनाती है। अभी सूत्रों से पता चला है कि यहाँ पे रिफाइंड ख़त्म हो चुका है, तो देखते जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जुगाड़बाजी चल रही है। यहाँ पे रिफाइंड जो था वो थोड़ा सा कम निकला, ठीक है, क्योंकि पकौड़े वकौड़े वगैरह वगैरह बनते रहते हैं तो रिफाइंड ख़त्म हो गया और हमारा पोपट हो गया। अब इतने सारे चीज़ वाले समोसे हमारे बनेंगे, अगर ये रिफाइंड जल्दी ख़त्म हो गया तो हम बनाएंगे घी में, है ना। तो सूत्रों ने पहले बताया ही था, सूत्रों ने ये निकाला था। अच्छा था उसके आलू के पराठे ही बन गए। यस। बैकग्राउंड म्यूजिक को अनदेखा करना, ऐसी अजीब वगैरह आवाजें हमारे वीडियो में आती रहता है। और रिफाइंड के अंदर घी डाल दिया। हाँ तो अंदर कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। और तो चुप कर। नहीं बना रही, मुझे चुप करा दो। यहाँ बनने शुरू हो गए हमारे ट्रायंगल वाले चीज़ी ट्रायंगल वाले समोसे। चीज़ी ट्रायंगल ही है बस उसका नाम, ठीक है। अरे चुप कर, बेस्टी मत मारा करो मेरी वीडियो में, कंटेंट होती है तुझे पता नहीं है। और मस्त मस्त लग रहे हैं, जब इनको चीर के फाड़ के देखेंगे तो समझ चीज निकलेगी वो भी गर्मा गर्म। अच्छा। और यहाँ पर भी है बहुत सारे, ये देखो मोटे मोटे हैं। यहाँ पे स्टफिंग और भी रखी है, यहाँ पे लोहिया बेली जा रही है। क्या बढ़िया लगेगा, अभी हम करने वाले अपने चीज़ी ट्रायंगल समोसे की अनबॉक्सिंग। खोल कर दिखाओ इसको। ओए ओए अरे वाह क्या चीज़ निकली है, अरे मजा आ गया देख लो एकदम मस्त। हाँ ना बात, चलो तू खा कर देखा। नहीं आप खाओ ना, तू खा। नहीं आप खाओ ना, मैं क्या खाऊँ, अब मैं खा लूँगा तू तो खा कर। नहीं अभी हम चेक करेंगे अपना चीज़ वाला समोसा टेस्ट कैसा है, उसके बाद देंगे। भाई साहब ऐसा लग रहा पिज्ज़ा बना के तल दिया हुआ, बड़ा मस्त है। बाकी सबको भी खिलाते हैं, अभी इनका रिएक्शन देखेंगे। खा कर दिखाओ और कैसा लगा? मेरी इसका जो अंदर का टेस्ट है बड़ा अच्छा हो रहा है, चीज़ का चीज़ फ्लेवर अच्छा हो रहा है। चटनी खट्टी मेरा मेरे चीज़ मंगवाने का फायदे, आपकी चीज़ मंगवाने के लिए मेरा दिमाग लगाने का फायदा। हाँ हाँ तो आलू का पराठा, चीज़ का तो आलू के पराठे में डाल के खा रहे थे आप। चलो बनाओ, ये गरम गरम दे उधर और वो देना इसके साथ चटनी मीठी और हरी वाली जो हम चाउमीन वाले खाते हैं। तो यहाँ बन रहा है अपना मोहनस्टार वाला सबसे बड़ा सबसे अनोखा ट्रायंगल चीज़ी समोसा। चीज़ी ट्रायंगल हो चाहे समोसा हो, है तो समोसा ऐसा बनाओ और बड़ा बनाओ, बनाते रहो।
ये आपको लग रहा होगा कि हम खा के मिले, गलती से भी ना अगर इनको मुंह में डाल लिया उतनी ही जीत जल जाएगी, इतना गर्म है ये। तो हमारे मौसा समोसे के अंदर स्टफिंग भरी जा रही है, आप देख सकते हैं बड़े बड़े, इन सब का पापा है ये, कितना बड़ा समोसा, वो भी चीज़ वाला फुल्ली लोडेड ट्राइंगल, फुल्ली लोडेड विद चीज, चीज़ बस समोसा है ना। तो अभी सूत्रों से पता चला है कि किसी को आलू वाला समोसा खाना है। खत्म हो गया मेरा, और क्या मैं देख, मैं तो दोबारा मार दो, दोबारा क्या हो गया, पहले उसको मतलब नहीं तीन ले। यहाँ पर बहुत बड़ी कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई, ये मैदा नहीं है और मैदा के साथ आलू वाला समोसा बनना था। तो अब सूत्र क्या करेंगे तो देखते हैं आगे। तो यहाँ पर स्टार्ट हो गया अपना पहुँचा समोसा ट्रायंगल वाला, यहाँ पर एक और बिलाई चालू हो गई है, बिलाई ध्यान से बनाइयो, मेरा समोसा है बड़े वाला बनना चाहिए, स्पेशल ऑर्डर है, ध्यान से बना। तो यहाँ पर हम लेके जाएंगे पेपर, क्योंकि समोसे काफ़ी ज़्यादा वो छोड़ रहे हैं, क्या छोड़ रहे हैं, चिकन आई तेल घी, तो वो हमारे मुँह में ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, इसलिए मैं पेपर लेकर आया ताकि इसके ऊपर समोसे रखे जाए। चलो समोसे के लिए चलो मैं रख देता हूँ, एक दो तीन, फिर एक फिर दो तीन चार पाँच छः पाँच समोसे। तो फुल्ली तैयार कर दिया हमने पैकिंग के साथ, ठीक है, और इस वजह से बंदर चले जाएंगे और जब तक हमारे दो मौसम समोसे तैयार होते हैं। तो भाई जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे सारे समोसे तैयार हो चुके हैं, ठीक है, यहाँ पर दो चटनी है और हमें इतनी ज़्यादा ठंड लगती थी कि हमने रजाई निकाल ली, जैसी रजाई निकाली मौसम नॉर्मल हो गया। तो पहले ही निकालने की चाहिए थी। क्या खा कर बता कैसा है? मैं तो खाऊंगा, अभी तक मैंने टेस्ट किया। मैं तो दो खाए थे, खा कर बता कब खाए दो, तूने तो दिया था, भूल गई क्या पूरी वीडियो में है? देखो बता, जल्दी खा कर बता, और जल्दी खा, मुँह में मत डालियो एकदम से, बहुत गर्म होगा, चीज चिपक जाएगी जीभ पे। और ये कंफ्यूज हो गई है, इसको कुछ नहीं पता चल रहा। चलो तो मैं भी समोसे खाता हूँ और मज़े करता हूँ, खाते खाते टीवी देखेंगे, जब तक आज आप इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मॉन्स्टर समोसा जब खोलेंगे, ठीक है यार, इस मॉन्स्टर समोसे के लिए अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं करा ना तो समोसा बुरा मान जाएगा, समोसा बुरा मान जाएगा, समोसा ठंडा हो जाएगा हमारा, है ना। तो यार सब्सक्राइब कर दो और साथ में जो बेल आइकन होता है वो भी दबा दो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो और शेयर करो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि हमारा जो चैनल है ना ये पूरा फैमिली फ्रेंडली चैनल है, ठीक है, हम कोई भी उटपटांग बकवास चीज़ें फेक चीज़ें नहीं डालते चैनल पर, हमारी कॉमेडी और एंटरटेनमेंट से भरा पूरा ये चैनल है, इसका भी है, ठीक है, और बाकी मैं ज़्यादा लंबा खींचूंगा नहीं, बाकी आप समझदार हैं, ठीक है, बड़े बड़े यूट्यूबर्स को सपोर्ट करते हो यार, हम छोटे छोटे हैं अभी, हम भी कर दो। चलो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। तो गाइस अभी बज रहे हैं 10 और मैं हूँ यहाँ पे, ठीक है, हमने समोसा खा लिया, चीज़ी ट्रायंगल जो उसने बनाए थे बड़े ही टेस्टी थे, आप लोग भी घर पर बनाना और बताना कि आप लोगों के घर में कैसे बने हैं, ठीक है, अगर आपको नहीं बनाने आते तो कमेंट में मैं से पूछ लेना, ठीक है, कि कैसे बनाते हैं, तो मैं इससे पूछ के आपको पूरा उसमें कमेंट में समझा दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है, और बाकी मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग में कल फिर, ठीक है, जब तक कि आप इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो अच्छी लगी हो तो यार शेयर भी करा करो, लाइक भी किया करो, सब्सक्राइब आप में से कोई भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करता तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को जरूर दबा देना। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, थैंक यू सो मच।